हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। व्यूवर्स, अगले लेक्चर्स में हमने बात किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड अप टू कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, और टीजीटी एग्जाम में पूछे गए दो एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पर बात करेंगे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आज की जो हमारी टॉपिक होगी रिलेशन, आज की हमारी जो टॉपिक है रिलेशन। ठीक, रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर ए टू बी इज कॉल्ड रिलेशन। हमारा कोई एक रिलेशन होगा, दो सेट्स होंगे ए और बी, दोनों सेट का जो है कि आपस में कोई ना कोई एक रिलेशन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारा एक सेट दिया ए इक्वल टू 1 और 2 और सेट बी इक्वल टू दिया ए और बी। ठीक है, इसका हमें जो इसका एक रिलेशनशिप बनाएंगे सेट ए और सेट बी का, इसका रिलेशन 1 और 2 ए और बी। ठीक, इसके एलिमेंट अर्थात इसका जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, हमने रिलेशन को दर्शाया तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा रिलेशन, अगर हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आएगा ए किसके साथ में, एक बार कर रहा हूँ, ए के साथ में, वन जो है ए के साथ में एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेट करेगा, और ये एक बार बी के साथ में कर रहा है। ठीक, और टू जो है केवल ए के साथ में कर रहा है, अर्थात टू और ए, इसके क्या हुए, ए रिलेशन हुए इसके। तो रिलेशन क्या है, 1 relate to A और 1 relate to B और 2 relate to A, हमारा क्या हुआ, ए रिलेशन हुआ। ठीक है, अगर टोटल नंबर आप रिलेशन हमको निकालना हो इटसेल्फ में, मान लो अगर इस टाइप की कोई मैपिंग डिफाइन की जाए, देखते हैं हम, जैसे आप लोग इसको जो है कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं एक रिलेशन है हमारा, उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे ए रिलेशन फ्रॉम अगर हमारा ए टू ए होता है, ये क्या होता है, ये जो हमारा रिलेशन होता है ये क्या होता है, ए टू ए, ये क्या हमारा इट सेल्फ रिलेशन होता हमारा, ये क्या होता हमारा, इट सेल्फ रिलेशन होता है। ऐसे रिलेशन को बता दें इट सेल्फ रिलेशन, इसकी जो मैपिंग होती है कुछ इस टाइप की होती है, 1 2 और 1 2, यहाँ पे सेट ए एलिमेंट और यहाँ पे सेट के बी एलिमेंट्स, तो इसके जो रिलेशन क्या होगा, 1 1 के साथ में, 2 2 के साथ, ऐसे रिलेशन को हम इट सेल्फ रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो होता है आर ए टू बी इक्वल टू आर इनवर्स बी टू ए इक्वल होता है ऐसे रिलेशन का। ठीक है, ये हमारे टीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है। और हम देखेंगे टोटल रिलेशंस के फार्मूले क्या होते हैं, जैसे टोटल जो उसकी टोटल रिलेशनशिप क्या होती है, अब हम इसको निकालेंगे। जैसे रिलेशन में हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ए कार्टेशियन बी इज सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, हमारा एक रिलेशनशिप बनाएंगे, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज टोटल नंबर ऑफ सब रिलेशन, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज सबसेट एवरी एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी। अर्थात हम कहेंगे कि जो हमारे सेट ए और सेट बी के एवरी एलिमेंट होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होंगे, सबसेट होंगे,
और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम दो सेट का निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करते हैं। ठीक, टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन हम फाइंड करते हैं। जैसे हमारा एक, आप इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं एक सेट हमारा सेट ए इक्वल टू जो है 1 और 2, ठीक है, और सेट बी इक्वल टू ए और बी। इसके टोटल से रिलेशंस क्या होंगे जब निकालेंगे तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा 1 और 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी, जो इसका रिलेशन होगा कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा 1 और ए 1 और बी, ठीक, और 2 और ए 2 और बी। क्या होंगे इसके रिलेशन होंगे ए कार्टेशियन बी, यही क्या होगा टोटल रिलेशन होगा। अगर हम इसका इमेज बनाए, इमेज ड्रा करें तो कुछ इस टाइप का होगा, जैसे ये क्या हुआ सेट ए हुआ और ये सेट बी हुआ। ए के एलिमेंट्स कौन है 1 और 2 1 और 2, सेट बी के एलिमेंट्स ए और बी हैं, ए और बी हुए, ठीक। इसमें 1 किसके साथ में रिलेशन बना, ए के साथ में, 1 ए के साथ में, 1 किसके साथ बी के साथ में, बी के साथ में, और 2 किसके साथ में ए के साथ में, यहाँ पे 2 ए के साथ में और 2 बी के साथ में क्या कर रहा है रिलेशन बना रहा है। तो ऐसे रिलेशंस कितने हुए इसके, टोटल रिलेशन कितने हुए इसके, 4 रिलेशन हो रहे हैं ना यहाँ पे। अगर हम इसका टोटल से सबसेट निकालें, टोटल से सबसेट अगर हमको फाइंड करना हुआ कि रिलेशन कोई दिया हुआ है और उसका हमको टोटल सबसेट फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे टोटल सबसेट ऑफ, देखेंगे हम टोटल सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू एन 2 की पावर m इंटू n होता है, 2 की पावर m इंटू n होता है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स ये सेट ए में है तो 2 इंटू इसके सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, अर्थात 2 की पावर कितना होगा 4 एलिमेंट होगा, 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा 16 होगा, क्या होगा हमारा ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक। इसी तरीके से हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम आगे देखते हैं, जैसे जो हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे सेट ऑफ ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक, और एंड एन ऑफ बी अर्थात सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं कितने 5 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, ठीक, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके क्या होंगे 2 के पावर m इंटू n होगा, ठीक, 2 की पावर m कितना है 3 है, 2 की पावर m कितना है 3 है, यहाँ पे 3 इंटू बी में कितना है 5 है, ठीक, तो 2 की पावर कितना होगा, टोटल सबसेट जो होंगे इसके 2 के पावर 15 क्या होंगे इसके, टोटल सबसेट होंगे जो एलिमेंट दिए होंगे सेट ए और सेट ए बी के, टोटल सबसेट कितना बनेगा 2 की पावर 15 जो इसके सबसेट्स होंगे। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे अगर इस तरीके से दे दिया, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको, जैसे हमारा एक सेट दिया मान लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे एन बी इक्वल टू भी 3 दे दिया, इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, इसके टोटल जो सबसेट होंगे, टोटल सबसेट हम टी से टोटल और सबसेट्स आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देंगे टी एस सी से हम समझ लेंगे, तो टोटल सबसेट आप कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके जो आएंगे 2 की पावर n² होगा, ठीक है, अर्थात इसके जो होंगे 2 की पावर कितना है 3 है, 2 की पावर कितना है 3 है,
यहाँ पे नहीं होगा, टू नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा, ठीक, टू की पावर एन, टू की पावर एन इंटू एन की पावर एन होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका ए फार्मूला होगा। इसका जो होगा टू की पावर एन कितना है, थ्री है, थ्री की पावर में कितना है, थ्री, इसका टोटल कितना आएगा, टू की पावर थ्री इंटू थ्री, टू की पावर कितना हुआ, नाइन, अर्थात नाइन। कुछ इसका रिलेशन इस टाइप से बनेगा, अर्थात अगर हम इसको सेट लेकर के समझें, सेट ए इक्वल टू ए बी सी, सेट बी इक्वल टू वन टू थ्री, ठीक, सेट में एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, हम मान लेंगे एन ए एन बी, टू की पावर एम इंटू एन हमको पता भी है, टू की पावर एम कितना है, थ्री मान लेंगे, ए भी थ्री है और एन कितना है, ए भी थ्री है, अर्थात टू की पावर कितना, नाइन आ जाएगा। हम यही फार्मूला याद करे रहेंगे, दो सेट उसमें देता है किस टाइप के क्वेश्चन आपका, हम देखेंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं हर बार जो है एग्ज़ाम में। तो यहाँ हम देखेंगे, जैसे सेट ए टू एलिमेंट एलिमेंट टोटल सबसेट ऑफ, टोटल सबसेट ऑफ, टोटल सबसेट ऑफ इट इटसेल्फ रिलेशन, ठीक, टोटल नंबर ऑफ इटसेल्फ रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, अर्थात एन नंबर ऑफ जो ए सेट है कितना है, टू है, हम मानेंगे ये जो नंबर ऑफ बी जो रिलेशनशिप बना रहा होगा उसमें भी टू एलिमेंट्स होंगे, ठीक, मान लेंगे, मतलब अगर इसका होगा टू तो इसका जो अगर इटसेल्फ रिलेशनशिप इटसेल्फ सबसेट में है, इसके इटसेल्फ सबसेट रिलेशन कर रहा है तो टू टू होगा, तो टू की पावर कितना हो जाएगा, टू इंटू टू, टू की पावर कितना आएगा यहाँ पे, टू के पावर फोर, अर्थात टू की पावर फोर इक्वल टू सिक्सटीन, हमारा क्या होगा, इसके टोटल सबसेट ऑफ रिलेशंस होंगे हमारे ए। अगर इसमें पूछे कि टोटल रिलेशन क्या होंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, m इंटू n होता है, केवल m इंटू n, इसके टोटल रिलेशनशिप कितने बनेंगे, टू टू जा फोर, टू टू जा कितना, फोर होगा ना, टू यहाँ पे पुट करेंगे, टू यहाँ पे फोर आएगा। इसका हम देख भी लेते हैं, जैसे सेट a और सेट b, a मान लो और b, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स हैं, a और b ले लो, ठीक है, और इसमें भी a और b ले लो, ठीक है, इसका जो रिलेशन एक कितने के साथ बनाएगा, एक बार a के साथ बनाएगा और एक बार बी के साथ, अर्थात टू रिलेशन इसके हुए, ठीक, और बी क्या करेगा, एक बार यहाँ पे रिलेशन बनाएगा और एक बार यहाँ पे रिलेशन, तो टोटल कितने हुए, टू हुआ, तो टोटल रिलेशन कितने हुए, फोर, और टोटल सबसेट कितने होंगे, टू की पावर एन होंगे, टोटल रिलेशन को क्या करेंगे, टू के पावर में लगा देंगे, वही क्या होंगे हमारे टोटल सबसेट्स होंगे। जैसे अगर हमको इसका सबसेट कैसे निकालना है, मान लो ए बी सेट था, ए क्या आएगा, एक एक ए आएगा, इसमें भी जाएगा और ए उसका जब अपोजिट लेंगे उसमें भी जाएगा, अर्थात जो इसके टोटल सबसेट होंगे टू की पावर, टू की पावर हमने क्या बताया, टू की पावर एम इंटू एन क्या होंगे, इसके टोटल सबसेट्स होंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं शायद ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर आपको लेक्चर हमारा पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।